भगवद गीता पर हो रही इस खुली चर्चा में आपका स्वागत है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण ने मनुष्य जीवन से संबंधित तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। कर्म क्या है, कर्म का फल से क्या ताल्लुक है, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ऐसे अनेक सवालों के जवाब गीता में मिलते हैं। दीप त्रिवेदी द्वारा की गई करीब 168 घंटे की ये चर्चा भगवद गीता पर की गई अब तक की सबसे लंबी चर्चा है। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय एक के हम पहले श्लोक से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र बोले हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब आप एक छोटी सी बात समझना कि कोई भी मनुष्य अगर कुछ भी कहता है, यानी कि शब्द का उपयोग करता है, वो जो आंख से देखता है और जो व्यवहार करता है, इन तीनों से तक्षण वो क्या है, क्या चाहता है, वो झलक जाता है। और एक इस चीज के अलावा दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मनुष्य का वर्तमान पहचान सके, और जो वर्तमान पहचान सकता वो ही भविष्य बदल सकता। इसलिए गीता एक बहुत ऊंची कला है। इसके एक एक शब्द पे, एक एक व्यवहार पे और एक एक बात पे बड़ी पैनी निगाह बनाए रखना आपको इतनी जल्दी इतना ज्यादा समझ में आने लग जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र का यह वाक्य कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, मुझे बता। अब ये धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है ना, कि वो जानना चाहता है कि वहां पर उन्होंने क्या किया। अब आप पहली साइकोलॉजिकल बात समझना कि किसी भी प्रकार की जिज्ञासा कोई भी मनुष्य कभी भी करता है, वो इस बात की खबर है कि वो उस विषय में अंधा है। बड़े ध्यान से समझ लेना, मनुष्य के सारे सवाल उसी बाबत है जिस बाबत वो भ्रमित है। आज के बाद कोई कुछ भी सवाल पूछता उसका मतलब ये होता कि उस बाबत वो भ्रमित है। जो आंख से अंधा है वो ही जिज्ञासा कर सकता कि दरवाजा किधर है, मुझे बताओ, मैं बाहर निकल जाऊं। जो अकल से अंधा है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान से अंधा है, वो भी तमाम प्रकार की जिज्ञासाएं करता है। तो धृतराष्ट्र की भी यह जिज्ञासा है कि वहां पर उन लोगों ने क्या किया।
और हमारी भी ये जिज्ञासा है कि ये जन्म पुनर्जन्म क्या होता है ना, कर्मों का फल से ताल्लुक क्या है, ये धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। सो 100% बात है कि ये गीता खत्म होते होते आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी। कृपया बड़े ध्यान से और प्रेम से शब्दों को पकड़ना, क्योंकि बातचीत है। अर्जुन का व्यवहार और अर्जुन की आंख का अंदाजा लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। कृष्ण के व्यवहार और कृष्ण की आंख का अंदाजा लगा लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरे में उतर जाएगी गीता। लेकिन कम से कम शब्दों को पकड़ना, क्योंकि बातचीत है, ये हवाई बात नहीं है। दुनिया में कोई कुछ भी कोशिश कर ले, उसका भीतर छिप नहीं सकता। ये त्रिगुणी माया की तीन जगह से, शब्दों से, व्यवहार से और आंख से वो झलक जाता है। सो हम आगे के श्लोक लेते हैं आप, और उम्मीद करता हूं कि आप कृष्ण को सहयोग करेंगे। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, आप मुझे कम ज्यादा सहयोग करेंगे तो चलेगा, लेकिन कृष्ण से सहयोग करेंगे पूरी उम्मीद रखता हूं, है ना। मंदिर जाके तो झुकी आते सब कृष्ण के सामने, गीता के सामने झुक के बता दे तो मैं उसे असली कृष्ण भक्त मान लूंगा, है ना। तो अगला श्लोक है, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार करी हुई, धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार करी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शेब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तबोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब कहने को बड़े अच्छे समझ लेना, अगर आपने गीता 20% भी समझ ली तो आप चमत्कारिक हो जाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि उसे सत्य का पता नहीं चलता है। अगर उसे देखने की आट आ जाए, सुनने की आट आ जाए और समझने की आट आ जाए तो कोई भी सत्य उससे छिपा नहीं रह सकता है। चारों ओर से सत्य प्रकट होता है, प्रकटमान है, सत्य ही सत्य है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, विचार सब सो रहे हैं और सुलाने वाले सब महान महान लोग हैं जो सुला देते हैं हमको, हम भी सो जाते, कुछ दिखना सोचना समझना बंद हो जाते, है ना। झंडे मान्यताएं बार बार कष्ट में आ जाती। कृपा कर ऐसा कमाल मत करना, मैं हमेशा कहता हूं। कई लोग बोलते हैं, यार आपने ऐसा बोल दिया या उसने ऐसा बोल दिया, हमारे भगवान का अपमान हो गया। मैंने बोला ये बहुत कमाल हो गया हैं, अपमान मैंने किया कि तुमने किया? अरे मैंने तो इतना सा बोला, तुमने उनको छोटा कर दिया कि उनका अपमान भी हो सकता है। मैंने छोटा नहीं किया,
मैंने आपकी मान्यताओं को छोटा नहीं किया, लेकिन बार बार उबल जाते। क्यों उबलते भैया? नाजुक आइटम है क्या आपके भगवान, आपके धर्म, आपके समाज, आपके शास्त्र, जो उन पे हमला हो जाता है? अरे हम अपनी बात रख रहे हैं, जवाब दे सकते दे दो। सो ये स्पष्ट समझ लेना कि कोई कैदे में हाथ देख के बता दूंगा ना माथे पे लिखा है। अरे लिखा है मनुष्य के शब्द में, वो जो शब्द बोलता ना वो सब बयां कर देता, वो जो व्यवहार करता ना उससे सब दिख जाता, उसकी आंखें सब कह देती कि इस आदमी को कब बीमारी पकड़ेगी, कौन क्या करेगा, कौन कहां मिलेगा 5 साल बाद। आप सबका पता लगा सकते, सबकी चिंता छोड़ देना, अपना पता लगा लेना कि हम ऐसे कैसे रहे तो 5 साल बाद कहां होंगे। बस सबसे पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो इस पूरे श्लोक में संजय कह रहा है कि दुर्योधन ने, है ना, द्रोण से कहा कि ये मारा द्रोण, ये पांडवों की पूरी सेना देख लीजिए, है ना, इसमें कौन कौन शूरवीर है सब देख लीजिए। आपने भी ये सुना, मैंने भी ये पढ़ा, लेकिन इसका अर्थ बस यही आके बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती। गीता यही वो कला है, यही वो कला है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। कृष्ण सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं भी पूरा का पूरा साइकोलॉजिस्ट हूं, और मैं भी चाहता हूं कि आप समझें, क्योंकि जीवन पूरा का पूरा एक साइकोलॉजी है। हमारा शरीर जीवन नहीं है, बाहर जीवन नहीं है, जीवन भीतर है। यहां पर दुर्योधन गच्चा खा गया, यहां पर दुर्योधन गच्चा खा गया, उसने सब गिना दिए कि कौन कौन है, एक से एक शूरवीर है, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिया। आपने ध्यान दिया? सबसे बड़ी बात समझना, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गया, है ना, बड़े बड़े शूरवीर गिना दिए, कृष्ण का नाम लेना ही भूल गया, कृष्ण दिखा ही नहीं उसको। हे कौन, सारथी? अरे वो सारथी नहीं, महारथी है, पागल। और आप याद करो उस महाभारत को, अगर ये दुर्योधन महाभारत हारा तो एकमात्र इस कारण से कि उसने सेना में कृष्ण को नहीं गिना, और पूरी महाभारत हराई कृष्ण ने। सबको मालूम है कि कर्ण का रथ फंस गया था, तो अर्जुन चिल्लाया, अरे इसको तीर नहीं मार सकते, युद्ध के नियम के खिलाफ है। कृष्ण बोले, पागल ये एक ही मौका है ना, युद्ध का एक ही नियम है, दुश्मन को मारना, और नियम तोड़ के पहले मारना, मार डाल। तो उसने मार डाला। कृष्ण ने बोला, अगर ये बच गया तेरा एड्रेस नहीं मिलेगा। जब भीष्म अपने पूरे रौद्र स्वरूप में थे और रोज 400-500 सैनिक पांडवों के मार रहे थे, तो अर्जुन उनका इलाज नहीं कर पाया। युधिष्ठिर तो दिखता ही नहीं था कहां है। कृष्ण शिखंडी को आगे लाए कि महाराज ने प्रतिज्ञा ली, एडवांटेज अपन ले लो। समझ लेना, वो सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दूंगा। बड़ा जोश चढ़ा भीष्म को, कृष्ण ने भेज दिया, बोले तू चली जा द्रौपदी, और तेरा अर्जुन सुरक्षित रहेगा, है ना, फिर गड़बड़। तो युद्ध कृष्ण ने जीतवाया। आप भी समझ लेना, जीवन के सारे युद्ध आपके, आपका कृष्ण जीतवा सकता है, आपकी आत्मा जीतवा सकती, आपके मन की शक्तियां जीतवा सकती, लेकिन आप उसका तो कभी कैलकुलेशन करते ही नहीं। उसकी वैल्यू क्या है? बुद्धि लगाते, अहंकार लगाते, बैलेंस शीट पढ़ते, फायदा देखते, आदमी देखते, कितना बड़ा है, सब तो कर लेते, कुछ तो नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कृष्ण का कैलकुलेशन करा कि वो कुछ कर सकता है? किसी ने अपनी आत्मा का,
अपनी मन की शक्तियों का कैलकुलेशन ही नहीं करा। दुर्योधन ने दो मौके खोए, बड़े ध्यान से समझना। सबको मालूम है कि कृष्ण की सेना लेने दुर्योधन पहुंच गया था द्वारका और कृष्ण के सर पे जाके बैठ गया। कृष्ण सो रहे थे, तो थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आया। दुर्योधन वहां पहले से मौजूद था। अर्जुन बेचारा क्या करे, कृष्ण के पांव के वहां बैठ गया। कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने देखा अर्जुन आया है और उसके हालचाल पूछे। उतने मारा दुर्योधन चिल्लाए, मैं भी आपके सर पे बैठा हूं, मैं भी आया हूं। कृष्ण ने बोला क्यों पधारे हैं भाई, तो बोले द्वारका की सेना चाहिए हमारे पक्ष में। तो कृष्ण बोले आज देखो रिश्ते तो मेरे दोनों से बराबर है ना, मैं इनकार दोनों में से एक को भी नहीं कर सकता, सेना आधी आधी नहीं कर सकता, आपस में लड़ मरे कोई फायदा नहीं। मेरी सेना भाई भाई को मारेगा या नहीं मारेगा तुम बोलोगे, ये कृष्ण की सेना भी कृष्ण जैसी बेईमान है। अब भाई भाई को नहीं मारेगा तो क्या बोलेंगे, क्या कृष्ण भी धूर्त उसकी सेना भी धूर्त। तो बोले एक काम करो, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना, दो में से एक ले जाओ। और ये कह के कृष्ण ने अर्जुन को देखा, समझ लेना कृष्ण ने आंख में देखा, उनको लगा ये अर्जुन सेना मांग लेगा। विवाद हुआ कि कौन पहले मांगे, तो दुर्योधन बोले पहले मैं आया था मैं मांगूंगा। अर्जुन बोले पहले आपने मुझे देखा मैं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन को डर कि दुर्योधन तो सेना ही मांगेगा और मेरे पास बच जाएंगे ये, करूंगा क्या। आत्मा का कैलकुलेशन कोई नहीं करता है। लेकिन कृष्ण ने पहला चांस दुर्योधन को दिया। उनको मालूम था कि अर्जुन को दूंगा तो ये सेना ले जाएगा और मर जाएगा। तो दुर्योधन को बोले बाप तू मांग ले। वो सेना लेके गया, साइकोलॉजी समझना, और शकुनी को बोले देखा अर्जुन को मात दे दी, उसके प्यारे कृष्ण की सेना लेके आ गया और उसके पास सिर्फ कृष्ण रह गया। शकुनी बोले भांजे तू मर गया, समझ लेना। अर्जुन की हैसियत नहीं है कृष्ण को पहचानने की, मनुष्य की हैसियत नहीं है कि वो उससे ऊपर के व्यक्ति को पहचान सके। शकुनी को मालूम है कि सेना क्या करेगी, आपस में मैं झगड़वाता रोज, मेरे में ये हैसियत है और वो तो इस कला का पीएचडी है। तुम्हारी सेना को तुमसे मरवा देगा, क्या 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 करेगा भांजे, तूने ये क्या कर लिया। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर, कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ, ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। तो आप समझो हम भी क्या कर रहे हैं जीवन में।
हमारी बुद्धि कितनी लगाते हैं, हम इतना सोचा, ये करा, वो करा, वेरी गुड बैलेंस शीट पढ़ी, बड़े आदमी से बड़ा मीटिंग करी, डिस्कस करी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या हो रहा है। हर आदमी अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट की बनाना चाहता, बिजनेस में प्रॉफिट, परिवार में प्रॉफिट, प्रेम में प्रॉफिट आता क्यों नहीं? क्योंकि यही सेना का कैलकुलेशन करते, कृष्ण का कैलकुलेशन ही नहीं करते। कोई आदमी समय का कैलकुलेशन नहीं करता, अरे समय बड़ा बलवान होता है। कोई आदमी मनुष्य के भाव का कैलकुलेशन नहीं करता, अरे देखा उसने मुझे हार पिनाया, अरे वो तो कानूनी बना होता तो बम वाला हार पिनाता, जरा भाव का कैलकुलेशन तो करो, हार का कैलकुलेशन करके बैठे हैं, बड़ा अच्छा आदमी है मालूम पड़ेगा, तो थोड़ा समझो। इंट्यूशन का हम कैलकुलेशन नहीं करते, कितनी बार अंदर से आवाज आती है मत करना, हम कहते नहीं नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, अरे तू जानता नहीं कितना बड़ा बिजनेसमैन है। हम अपना कैलकुलेशन नहीं करते, अपनी आत्मा का कैलकुलेशन नहीं करते, हम भी ये सेना का कैलकुलेशन करते। वरना दुर्योधन हारता नहीं, सेना मजबूत थी, सब कुछ उसके पास था, इनके पास था क्या? लेकिन एक कृष्ण, एक आत्मा सब बदल देती। ये मत समझना कि गीता पे भारत का कॉपीराइट है। पहली बात तो भारत में गीता समझते ही कम लोग है, वरना अपने हिंदुस्तान का ये हाल ही नहीं होता। गीता गुणों की चर्चा है कि आपके सेल्फ में ये गुण होना चाहिए, कोई धर्म ग्रंथ थोड़ी ही है कि हिंदुओं के लिए है। जो उसको सेल्फ में उतारना चाहे, जो उन गुणों को अपने भीतर रखना चाहे, उसकी गीता हो जाती, उसके कृष्ण हो जाते, उसका भीतर का कृष्ण जाग जाता, बात समाप्त हो जाती। कारागृह में पैदा होके द्वारकाधीश कैसे बनना, ये कला कृष्ण सिखाते। ये कला हमारे पास, हमारी मन की शक्तियों में है, हमारी आत्मा में है। हम भी देखते है ना कि एडिसन गरीब घर में पैदा हुआ, खाने के पैसे नहीं, अनपढ़, दूसरी फेल, वॉचमैन की नौकरी कर रहा है और 1000 से ऊपर पैटर्न रजिस्टर करवा लेता है। वैज्ञानिक महानतम, कैसे? क्योंकि उसका कृष्ण जाग गया, समझ लेना। गीता के गुण उसमें उतर गए, फिर गीता पढ़ी नहीं पढ़ी, कृष्ण को जानते नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बड़े अच्छे समझ लेना। ये गुणों की चर्चा है, ये समझ की चर्चा है, ये इंटेलिजेंस की चर्चा है, ये हवाई बातें नहीं है, ये बेकार की बात नहीं है। फिर हम कहते हो वो अंबानी पेट्रोल भर रहा था, अरे लेकिन कृष्ण जाग गया, तुम क्या करोगे? वो तो महारथी है, गुणों का भंडार है, इंटेलिजेंट है। कितने 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 आप हिस्ट्री पढ़े, कोई लेना देना नहीं। उनके कौरव कमजोर, पांडव कमजोर, सेना कमजोर, लेकिन एक कृष्ण मजबूत हो जाता तो पूरा जीवन बदल जाता। तो मैं भी कह रहा हूं आपसे, कैलकुलेशन कृष्ण का रखो। ये सेना तो बहुत देख ली आपने, 24 घंटे हम सेनाओं के पीछे भग रहे हैं। ये पावरफुल, ये शक्तिशाली, ये मंत्र अच्छा, ये डिग्री जोरदार, अरे बगैर डिग्री के सब वैज्ञानिक हो गए, सारे के सारे अनपढ़ साहित्यकार हो गए हैं, अंगूठा अच्छा बिजनेसमैन हो गए, MBA सब नौकरी पर रख लिए गए हैं। थोड़ा सा समझ लो इस बात को कि कृष्ण मजबूत चाहिए जीवन में, एक ही काम है, हमारी आत्मा मजबूत चाहिए, शकुनी की आंख चाहिए पहचानने वाली कि भांजे तू मर गया। मैं भी आपसे कहता हूँ, अपने आप से कहो कि ये ना बुद्धि के विचार, ये मन के उपद्रव, ये कमजोरियाँ, ये बाहर के लोग, इनसे बचो, अपने कृष्ण की शरण जाओ, अपने भीतर देखो कि शक्तियाँ क्या क्या हमारे भीतर है। आपकी आँख की, देखने की, बोलने की, समझने की, बुद्धि की, मन की सारी शक्तियाँ गीता खत्म होते होते परिवर्तित हो जाएगी। अदृश्य का कैलकुलेशन करो, दृश्य में कुछ नहीं रखा है।
हम सब दृश्य में कैलकुलेशन करते, हमारा पूरा धर्म भी सब जने दृश्य में सिखाते। बात समझ में नहीं आती। वो देखते ना मंदिरों में, वो बाहर दो शेर लगे होते, फिर अंदर मूर्ति होती। एक छोटा बच्चा जाता, अरे पापा ये तो शेर है। अरे शेर की मूर्ति है, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर अंदर जाते, वहां पे भी एक मूर्ति होती। वो बोलता, पापा ये भी मूर्ति है। नहीं, वो चमत्कार कर लेती। ये हम कर रहे हैं रोज, है ना। शेर की मूर्ति कुछ नहीं करती, हमारी मूर्ति चमत्कार कर लेती। तो दृश्य में मत भटके, चमत्कार आपके भीतर से होगा और वही काम आएगा, वही असली है। अगला श्लोक है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। अब अपनी सेना का वर्णन कर रहा है दुर्योधन द्रोण से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग भी सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। अब ये उसने अपनी सेना का वर्णन किया। जब भी कोई मनुष्य बोलता है या व्यवहार करता है या जब देखता है या आने पे फ्रीक्वेंसी छोड़ता है तो बड़े अच्छे से समझ लेना कि वो अपना भीतर प्रकट करता है। किसी मनुष्य के पास अपना भीतर छिपाने की कोई भी तरकीब नहीं है। कोशिश हर कोई 24 घंटे करता है चारों तरफ, लेकिन छिपता नहीं है। मैं चाहता हूं और कृष्ण भी चाहते हैं कि इतनी बड़ी महाभारत अगर बगैर हथियार उठाए जीती जा सकती है तो आपके जीवन में तो बहुत छोटी मोटी महाभारतें हैं। सिर्फ आसपास वालों के और अपने व्यवहार और शब्दों को पकड़ना सीख लीजिए। जो टाइम में है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट होगा। अभी किसी के मन में है कि मौका मिलते ही आपको ठीक करना है ना, आप पकड़ नहीं पाते। वो ऊपर से आपको बुके देता, बर्थडे विश करता, आप उसको और निकट लाते और भरोसा करते, फिर एक दिन मर जाते। सबसे बड़ी जीवन की आर्ट है कि दूसरे के मन में क्या है और वो कब क्या करने वाला है ये पता चल जाए तो जीवन की 90% मुसीबतें खत्म, कोई संकट ही नहीं है। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो 24 घंटे भीतर छिपाने में लगे रहते हैं, हर कोई गौर करना, और अब तो ऑटोमेशन हो गया है, भीतर तो कोई निकलने ही नहीं देता, है ना। और इतना खतरनाक ऑटोमेशन हो गया है कि साधारण बात करते हम कि भाई आप मनुष्य हो, स्वतंत्र हो, जरा खुल के जियो, जो मन में आए वो करो, क्या बुरा है। अरे इच्छाएं पूरी करो, अरे बोले गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा क्या क्या छिपा रखा है भीतर सबने जो गड़बड़ हो जाएगी। अरे साधारण बात है, बड़ा गौर करना आप,
साधारण सी बात है, उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब मन में कितनी गड़बड़ है, तो बाहर तो कोई दिखाता नहीं गड़बड़। बाहर तो सब एकदम सज्जन परफेक्ट, व्यवहार में ये वो, कभी कभार क्रोध आ जाए, है ना, तो बात अलग। इतनी कोशिश के बाद भी किसी का भीतर छिपता नहीं है। कोई लाख कोशिश कर ले, आप एक असत्य बोल के दिखा दो, कोशिश पूरी कर लो, लेकिन एक शब्द, एक आंख, एक व्यवहार, एक चाल, एक फ्रीक्वेंसी चुगली खाई जाएगी। हत्यारा कितना भी स्मार्ट हो, एक निशान छोड़ के जाता है। ऐसे आदमी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो अपना भीतर छिपा नहीं सकता है। तो दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो भीतर छिपा रहे हैं। और क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि भीतर गड़बड़ है, और तो कोई कारण नहीं है। किसी भी तरह की गड़बड़ हो सकती है ना, या तो गड़बड़ करने की इच्छाएं हो सकती है, या गड़बड़ करने की हिम्मत की अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन छिपा रहे हैं बस। मुंह पे कहने की ताकत नहीं है कि तुम बदमाश आदमी हो, पीछे बड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन छिपा रहे हैं। दूसरे वो हैं जो छिपा ही नहीं रहे हैं, और बड़े अच्छे समझ लेना कि जो छिपा नहीं रहे हैं वो बह रहे हैं, वही प्रगति कर रहे हैं, वही सुखी है, वही सफल है, जो छिपा नहीं रहे हैं। इसमें एक शब्द खास तौर पर समझने का है, क्योंकि मैं कितनी बार कह चुका हूं कि जो आपके मन में होगा वो स्पेस में रिफ्लेक्ट होगा। आप ही का विचार है, आप ही का भाव है, और आप ही का जगत है। अगर आप विश्वास से भरे हैं किसी काम के प्रति, शंका नहीं कर रहे हैं, उस काम में कभी गड़बड़ नहीं होगी, ये सिद्धांत है। आपके ज्योतिष, आपके वास्तु, आपकी अंगूठी, आपकी मान्यताएं अविश्वास है भविष्य पे। चूंकि अविश्वास है इसलिए भविष्य बिगड़ रहा है। आप ही की दुनिया है, आप ही का विचार है, आप इस बात को समझ नहीं रहे। बाहर कुछ लेना देना नहीं है, हमारा अविश्वास है भविष्य के प्रति। सिंपल बात यह है, वरना जरूरत नहीं है। जो विश्वास से भरा है वो शंका नहीं करेगा। आप जहां जहां विश्वास है वहां शंका नहीं करते, जहां शंका नहीं करते वहां गड़बड़ भी नहीं होती। तो यहां पर युद्ध में दुर्योधन क्या कह रहा है वो समझ लेना। वो कह रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, उसे जितना आसान नहीं है। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन एक क्षण बाद बोलता है कि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की वह सेना भी जीतने में सुगम है ना, पॉसिबल है, जीत सकते हैं वो भी। बस मतलब अगर इस श्लोक को आप डिकोड करना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि दुर्योधन 70% तो कॉन्फिडेंट है, 30% डाउटफुल है। बड़े ध्यान से समझ लेना। अब जो 30% डाउटफुल है ना, वो ही मरवाता है। आपके जीवन में भी यही हो रहा है, हम डाउट करते हैं। आप किस चीज पे डाउट करते हैं? अरे आपको धंधा करना है, माल बनाना है, माल बेचना है, उसमें वास्तु क्या करेगा, उसमें ज्योतिष क्या करेगा, वो बताएगा किस मुहूर्त में कपड़े की दुकान खोलने की। अरे उसको अक्ल होती तो 100 रुपए में थोड़ी बताता, वो खोल के नहीं बैठ जाता। कैसी बात करते हैं हम अविश्वास करते हैं अपने आप पे, अपने व्यवसाय पे, अपनी बात पे, अपनी समझ पे, अपनी शक्ति पे, फिर कहते सब गड़बड़ हो रही है। अरे तो गड़बड़ बाहर थोड़ी हो रही है, गड़बड़ पहले आपके भीतर हो चुकी है, वो बाहर तो सिर्फ प्रकट हो रही है। आप इस बात को समझें। एक बार कृष्ण का ही किस्सा सुनाता हूं, गीता है तो कृष्ण के किस्से सुनाना अच्छा है, ये भी उनकी लाइफ बहुत कम लोगों ने पढ़ी है।
जब पांडवों को वनवास हुआ तो एक बार ऐसा था कि वो द्वारका के पास के एक जंगल में रुके हुए थे, तो कृष्ण उनके हालचाल देखने गए। अब हालचाल देखने गए तो देखा कि नकुल और सहदेव झोंपड़ी के बाहर यूं बैठे हुए हैं। कृष्ण को बात समझ में नहीं आई, दूर एक राक्षस चिल्ला रहा है जोर जोर से, आओ कोई, आता क्यों नहीं, क्या कोई मर्द नहीं है? कृष्ण को वो बोले, यार तमाशा समझ में नहीं आ रहा है, वो राक्षस चिल्ला रहा है, ये सर पे हाथ रख के बैठा है, वो ललकार रहा है और कह रहा है कोई मर्द ही नहीं है। तो कृष्ण अंदर गए तो द्रौपदी भी उदास थी, युधिष्ठिर भीम सब बैठे हुए थे, अर्जुन भी बैठा हुआ था, हवा सबकी उड़ी हुई थी। कृष्ण बोले, माजरा क्या है? बोले, माजरा तो क्या है, क्या बोले? तो कृष्ण अर्जुन से बोले, भाई बताना क्या माजरा है। अर्जुन बोले, फिर चुप। आखिरी में द्रौपदी ने बोला कि महाराज, माजरा ये कि ये राक्षस पिछले एक महीने से आ रहा है और रोज युद्ध करता है किसी एक से और खूब धुलाई करता है उसकी और चला जाता है। बोले तो कृष्ण ने बोला, ये भीम और अर्जुन क्या कर रहे हैं? द्रौपदी बोले, तीन बार भीम को, दो बार अर्जुन को भी मार चुका है वो। अब आज ललकार रहा है और पांच में से कोई जाने को तैयार नहीं है। राय कृष्ण बोले, ये ऐसा कैसा कमाल हो गया भीम, ये हो क्या रहा है तुम लोगों को? अरे भीम बोले, कृष्ण तुम जानते नहीं हो, बड़ा खतरनाक है वो और खूब धोता है। बोले अब अर्जुन भीम, कृष्ण को माजरा समझ में नहीं आया, तो कृष्ण ने भीम से पूछा कि तू एक बात बता यार, तू जब उससे युद्ध करने गया तो तेरे मन में क्या विचार था? भीम बोले, मेरे मन में एक ही विचार था कि आज तो वो नहीं है, मैं नहीं। कृष्ण बोले, बस यही तो गड़बड़ हो गई, आज मैं जाता हूं युद्ध करने। तो द्रौपदी और सब तो हाथ पांव जोड़े, अरे महाराज तुम किक्कड़ आदमी, तुम पहलवान भी नहीं, बचपन में जरूर सब कुश्तियां वगैरह करी थी, लेकिन बोले तुम कहां जाओगे, सबको धो चुका है वो, हालत खराब कर देगा आपकी तो। बोले, हम क्या जवाब देंगे आपकी रानियों को? बोले, आप मत जाओ। भीम बोले, कृष्ण तुम बिल्कुल मत जाओ, मैं जाता हूं, मैं धुलने को फिर तैयार हूं। बोले, अरे कृष्ण बोले, ऐसा नहीं, तुम, मैं जाता हूं और उसको ठीक करके आता हूं। तो कृष्ण निकले बाहर और कृष्ण बोले कि मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि तू नहीं और तू ही नहीं, और उसको ठीक करके आ गए। फिर भीम को बोले कि कमजोरी तेरी प्रतिज्ञा में थी, तू नहीं के मैं नहीं, तो मैं नहीं का चांस तो तुमने खोया ना, बस। तो तेरा विश्वास तेरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारा सेल्फ हमारे भीतर रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े पहलवान नहीं है, अर्जुन जैसे तीरंदाज भी नहीं है, हैं कुछ भी नहीं, लेकिन जो भीतर है वही तो जादू है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप भीतर देखें, भीतर तो कितना कमजोर है, 100 रुपए की अंगूठी पूरे खानदान का भला कर देगी, अब इतने कमजोर भीतर का खानदान ढूंढो तो मिले कहां? 90% दुनिया ये कर रही है, और बड़ी मेहरबानी है भगवान की कि वही 90% दुखी है, न्याय यहीं का यहीं हो रहा है। फिर हम कहते, ये नास्तिक है, ये बदमाश है, ये आगे बढ़ गया, अरे भाई वो बदमाश नहीं है, कॉन्फिडेंट है। आप समझते क्यों नहीं है? आपकी बातें अगर काम आ रही होती तो हम युगों से परेशान ना होते। तो यहां पर जो दुर्योधन ने विश्वास खोया ये समझने का है, अगर आप गीता समझना चाहते हैं तो कृष्ण जादूगर है भविष्य पहचानने के, भविष्य बनाने के। मैं चाहता हूं आप भी जादूगर हो जाए, कम से कम अपना भविष्य पहचानने के और बनाने के। सारा खेल आपके व्यवहार का, आपके शब्दों का है, उससे आप अपने को पहचाने, दूसरों को पहचाने, चेंज कर दें, सब चेंज हो जाएगा। बाकी कोई कह दे इससे चेंज होगा, उससे चेंज होगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। एकमात्र गीता ग्रंथ है और हुक्म उसी का है, मुझे ही डिकोड करना है एक एक शब्द को, और ये पूरा शब्दों का खेल है।
और आप एक एक शब्द को एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़ें। मैंने इसीलिए गीता पहले दिन डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। आप खुद कोशिश करें और अब शब्दों में घुसें, सब समझ में आ जाएगा। आसपास वालों के भी शब्द सुने, सब समझ में आ जाएगा। वो झूठ बोल ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, उसको सत्ता ही नहीं है। कोशिश कर सकता, और सब अंधे हैं तो मूर्ख बन सकते, लेकिन एक समझदार आ जाएगा, सब समझ जाता। आप समझदार बन जाएं, बस। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। इट्स अ रियली ग्रेट बुक दैट आई हैव कम अक्रॉस इन सो मेनी इयर्स। आई हैव रीड मेनी बुक्स बट दिस वन स्टैंड्स अपार्ट। इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। आई हैव रेड द बुक। इट क्लियरली आइडेंटिफाइज एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन योर ब्रेन एंड द माइंड। ऑल द सेवन स्टेट्स ऑफ द माइंड आर क्लियरली डिफाइंड इन दैट बुक एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द बुक। सो इट्स अ वेरी नाइस बुक रिटन इन अ वेरी क्लियर लैंग्वेज। मेरा तो मानना है मैं मन हूँ पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। एक तो मैं बोल रहा हूं, मुझे टाइम का पता चलेगा नहीं, है ना, और आप लोग बोलेंगे नहीं। नहीं, अभी तो चलने दे रहा हूं। आगे कह रहे हैं कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं द्रुष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। संजय युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो वह धृतराष्ट्र को बता रहा है। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब इसमें दो तीन बातें समझने की है। एक तो माहौल कि युद्ध का मैदान है, मरने को इकट्ठे हुए हैं, कारण कुछ भी नहीं है। ज्यादा ज्यादा कारण किसके पास है? पांडव और कौरव के पास, तो वो तो पूरी सेना में 5% है। बाकी 95% लोग तो अकारण ही इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उत्साह, कैसा उत्साह! ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, बस
यही हरकत हम भी करते हैं। जीवन संघर्ष है नहीं, हमारी सारी पीड़ा संघर्ष की है। जीवन में संघर्ष है नहीं, लेकिन संघर्ष में हम उत्साही हैं। आप आज के बाद गौर करना, संघर्ष में हरे को कितना मजा आता है। बात बात पे संघर्ष, हर चीज से संघर्ष, धर्म से भी संघर्ष, धर्म में भी संघर्ष, कष्ट उठाओ, भूखे रहो, संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, समाज में संघर्ष, परिवार में संघर्ष, व्यवसाय में संघर्ष, महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं में संघर्ष, सिर्फ संघर्ष है जीवन में। और संघर्ष में तो इतना रस है कि कहीं युद्ध हो जाए तो 24 घंटे खबर देखते कितने मरे कितने मरे कितने मरे, है ना। सड़क पे झगड़ा हो जाए, दो आदमी भीड़ गए हो तो देखने में कितना मजा आता है। और कभी गौर करना ईमानदारी से, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कोई सज्जन आदमी आ जाता, दोनों में सुलह करवाता तो उसको गाली बोलते, मजा आ रहा था यार, है? मारपीट होने ही वाली थी, बीच में आ गया तू। झगड़े में बड़े मजा है, झगड़े में इतना मजा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई खबर दे दे, उसके घर में गड़बड़ थी, बता बता जल्दी बता क्या गड़बड़ थी, बस गड़बड़ सुनने में हमको रस है, संघर्ष में रस है। अब जिसको संघर्ष में रस है, बड़ा अच्छे समझ लेना, हम अपने आप को चेक कर लें। गीता ईमानदारी सिखाती, मैं ईमानदारी से बोलता और ईमानदारी सिखाता। हम बाहर किसी को गाली दे दें, बाहर किसी को गलत बोल लें, बाहर कहीं आश्रय खोज लें, बाहर कहीं आश्वासन खोज लें, उससे कुछ नहीं होना है। हमारे भीतर हम क्या है, जरा गौर करें, क्या हमको संघर्ष में मजा है, क्या संघर्ष में उतरना हमारा जीवन है, हमारा स्वभाव है, हमारा इनर है। हमको बाहर कहीं संघर्ष चल रहा है तो उसमें मजा आता, कि चार आदमी प्रेम से जी रहे उसमें मजा आता। प्रेम से जी रहे कोई खबर ही नहीं है, बड़ी दुख भरी खबर है ना, बड़ी मस्ती में जी रहा है यार, कुछ करना पड़ेगा, है ना, और कर भी देते। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हमें संघर्ष में रस है कि जीने में रस है। कमाल वो लोग करते जिन्हें जीने में रस है, जिन्हें संघर्ष में रस है वो तो रोज थोड़ा थोड़ा मरते, फिर एक दिन कुछ करने लायक नहीं बचते, है ना, फिर चिल्लाते रहते हरी 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 हरी। अरे तुम नहीं करते तो हरी क्यों करेगा, है, तुम भी बैठो वो भी बैठा है, करना तो तुमको ही पड़ेगा, और हमारे में करने की ताकत नहीं बचती, क्योंकि हमें रस संघर्ष में है। जीवन संघर्ष नहीं है। जिन्होंने भी बड़ी सफलता पाई है, आप उनका जीवन पढ़ो, कहीं संघर्ष है, हंसते खेलते पाई है, मौज मस्ती में पाई है, डूब के पाई है, अपनी पसंद का काम करके पाई है, अपनी टर्म्स पे जी के पाई है, अपनी मन मुताबिक काम करके पाई है, किसी बाहर वाले की बात सुन के नहीं पाई है। हमारे जीवन में संघर्ष है, अगर कितनी ही मेहनत कर लो संघर्ष है, तो संघर्ष ज्यादा से ज्यादा दो वक्त की रोटी दे सकता, संघर्ष चमत्कार नहीं कर सकता। संघर्ष कभी किसी को बिल गेट्स नहीं बना सकता, संघर्ष किसी को बुद्ध नहीं बना सकता, संघर्ष किसी को कबीर नहीं बना सकता, आइंस्टाइन एडिसन नहीं बना सकता। ये संघर्ष का परिणाम नहीं है। हमें सिखाया जाता समाज से, धर्म से, परिवार से, संघर्ष करो, बड़ा संघर्ष है। जीवन में संघर्ष नहीं है। सो मेहरबानी करके, अगर आपके बुद्धि अहंकार कमजोर होंगे, परफेक्ट होंगे, तो जीवन में से संघर्ष कम होंगे। अगर संघर्ष में रस है किसी भी प्रकार के, है ना, और संघर्ष मतलब सब कुछ उसमें आ गया, है ना, बाहर का युद्ध भी आ गया, घर का युद्ध भी आ गया, सड़क का झगड़ा भी आ गया, बिजनेस के झगड़े भी आ गए, अपने से संघर्ष भी आ गया कि भूख लगी है लेकिन आज सोमवार है, वो भी संघर्ष है। अगर इन सब चीजों में रस है
तो मेहरबानी करके किसी दूसरे को ब्लेम मत करना, संघर्ष में रहना, धीरे धीरे मरना और मरने के पहले पूरा मर जाना। लेकिन जीवन संघर्ष नहीं है, संघर्ष में उत्साह दिखाना गलत है। मेहरबानी करके इतनी बात आप समझ लीजिए। आगे हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से न देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यवसाय में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में ही चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब यहां पर अर्जुन पहली बार अपना मुंह खोल रहा है और वो कह रहा है कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण उसके रथ के सारथी हैं। और ये अच्छे समझ लेना कि सारथी का काम है ना, हुक्म बजाना, मालिक का हुक्म बजाना। हमारे भीतर भी आत्मा है, उसका काम है कि हमारे बुद्धि अहंकार जो कह दे हमें करने देना। हमारे हाथ में है कि हमें कैसे बुद्धि अहंकार को कमजोर करना। अगर वो कमजोर होए तो मालिक एक्टिव होए, वरना जैसा आप बोलें मंजूर। तो अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं सामने वाले की सेना में कौन कौन है, मुझे किससे युद्ध करना योग्य है, दुर्योधन का साथ कौन कौन लोग दे रहे हैं। ये अर्जुन ने बड़ी बुद्धिमानी की बात कही। सब लोग संघर्ष में है, उत्साह में है, किसी को होश नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उस बेहोशी के वातावरण में एक होश की बात कही कि महाराज, जिनसे युद्ध लड़ना है उनको देख तो लूं। आप भी समझ लेना थोड़ा सा अर्जुन का ये गुण जीवन में उतार लेना। बाहर तो कह देते हैं कि ये डिग्री पा लेना, आप युद्ध में उतर जाते, जरा रुकना, जरा नाप तोल लेना कि वो डिग्री से कुछ मिलने वाला है कि बेमतलब संघर्ष में कोई धागा, कोई अंगूठी, कोई बातचीत, कोई आश्वासन, कोई गाड़ी, कोई घर, कुछ भी। जब भी आप कूदते हैं संघर्ष में, उसके पहले जरा असेस कर लेना कि किससे लड़ना है, क्या मिलेगा, क्या खोएगा, क्या होना है, कैसे लड़ना है। आप बेहोशी में कूद जाते, भय होता तो भाग जाते, लोभ होता तो घिसा जाते। बस ये दो ही फोर्स से चलते। तो एक बुद्धिमानी की बात है कि हमको जिससे युद्ध करना है कम से कम उसका असेसमेंट तो कर ले, ताकि मालूम पड़े कि हमको क्या व्यू रचना रचनी, हमें कैसे आगे बढ़ना, कहाँ जाना, कैसे करना। तो अर्जुन ने इस बेहोशी के वातावरण में, बड़े अच्छे समझ लेना, अर्जुन ने इस बेहोशी के वातावरण में एक होश की बात की। हमें भी ये होश हर हमेश हर युद्ध में जाने के पहले बनाए रखना चाहिए। हर चीज युद्ध है, हर चीज संघर्ष है। जो भी आप पाना चाहते, जो आप खोना नहीं चाहते, आप जो कुछ भी करते, सब कुछ एक संघर्ष है। और जीवन पाने खोने का नाम है, कम खो के ज्यादा पाने का नाम जीवन है।
कैलकुलेशन बराबर कर लेना चाहिए। तो अर्जुन उसी कैलकुलेशन के लिए कृष्ण को कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा करो, जिसको नगाड़े बजाना है बजाने दो, जिसको शंख बजाना है बजाने दो, मैं जरा होश में देख लूं कि क्या हालचाल है हमारे और उनके, है ना, असेस कर लूं मेरी सेना और उनकी सेना की क्षमता। तो ये अंतिम गुण जो मैंने कहा आपसे, वो सब जने जीवन में ध्यान रख लेना। और मेरे ख्याल से अब आगे जो कुछ भी अर्जुन के साथ घटता है वो हम कल चर्चा करते हैं। इसमें कोई सवाल जवाब हो तो पूछ ले मेरे से, तो अभी तो गीता शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो महाराज का रथ खड़ा हुआ है सिर्फ बीच में। ये बात पूछनी है, प्रश्न करना नहीं है, बात पूछनी है। बात ये पूछनी कि लास्ट टाइम जैसे आपने लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करवाया था और उसको पढ़ के अपने तरफ से समझ करके हम आते थे और फिर चर्चा करते थे, तो उसका एक अलग ही आनंद होता था, क्या इस बार भी हम वैसा करेंगे? कल ही आप कल नहीं आए थे क्या? नहीं, गीता तो मिला है, तो गीता सिलसिलेवार एक श्लोक से लेके 700वें श्लोक, पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं, तो अंदाज आ ही जाता है कि भाई आज 10 श्लोक हुए, तो कल कौन से 20 श्लोक होंगे, उसके आगे के होंगे आसपास के, और दो चार ज्यादा पढ़ने में तो नुकसान है ही नहीं, मतलब हम सिलसिलेवार ढंग से जाएंगे। हाँ, सिलसिलेवार, बीच बीच में से कैसे जा सकते हैं? ज्यादातर वक्ताओं को मैंने देखा है कि वो सेलेक्टिव श्लोक को लेकर के उसी पर चर्चा करते हैं, और इसके श्लोक भी ऐसे हैं कि एक एक श्लोक पे 5-5 घंटा 10-10 घंटा बोलते रहिए, वो खत्म ही नहीं होने वाला, तो हम सिलसिलेवार ढंग से जाने वाले, बस यही जानना था। देखो, गीता दो आदमी की बातचीत है जी, अगर आप एक श्लोक छोड़ते हैं तो मतलब आप गीता नहीं समझ रहे हैं, है ना। अभी फिर गीता का मैं सच बताऊं तो जो भी गीता पढ़ता है ना, वो गीता से सीखता कितना है मुझे नहीं मालूम, मैं वक्ताओं की भी बात कर रहा हूं, लेकिन वो जो अपनी मान्यता है ना, जो सुन रखा है ना, उसमें चारों तरफ से उसको फिट कर देते हैं। अब कृष्ण सबसे अलग हैं, इकलौते हैं, तो दूसरी चीज में कृष्ण फिट नहीं हो सकते, मैं चाहूं फिट कर लूं कन्वीनियंस के लिए, कृष्ण फिट नहीं हो सकते। और दो आदमी की मेरी आपकी बातचीत है, हम 800 श्लोक बोल के 700 श्लोक बोल के बातचीत कर रहे हैं, और मैं 30 श्लोक की बात करूं तो बातचीत कैसे समझ में आएगी? भाई अर्जुन ऊपर जा रहा है, कृष्ण ऊपर जा रहे हैं, कृष्ण नीचे जा रहे हैं, अर्जुन ऊपर जा रहा है, एक साइकोलॉजिकल युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, एक शब्द छोड़ा कि गए। लेकिन क्या होता है कि शब्दों की पक्की साइकोलॉजी और प्रकृति के नियम समझ के बराबर कृष्ण को पकड़ना, तो क्या होता है कि चंद श्लोक ऐसे हैं जो एक तो सत्य भी हैं महान, तो उस पर निश्चित ही जो समझते हैं वो 5-5 घंटे एक एक श्लोक पे बड़ा आसान है। दूसरा क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी में कोई जाता ही नहीं है, कोई कृष्ण का मन क्या, अर्जुन का मन क्या, उस पर जाते नहीं है, जनरली वो चलता रहता है। अभी क्या बोलेंगे, अभी बट ये महान ग्रंथ है, महान साइकोलॉजिस्ट है, तो हम सलंग जाएंगे, एक शब्द एक श्लोक छोड़ नहीं सकते। वेरी गुड, वो तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ से दिल्ली जाएं और बीच के स्टेशन गायब कर दें, तो पहली बात तो दिल्ली पहुँच ही नहीं सकते, कि मैं रतलाम नहीं आएगा, बड़ौदा नहीं आएगा, तो ये लोग दिल्ली पहुँच ही नहीं रहे ना, तो हम सलंग जाएंगे, सारे श्लोक लेंगे और उसकी पूरी साइकोलॉजी पूरी गहराई पे चर्चा करेंगे, और सवाल जवाब के साथ जाएंगे कल से, क्योंकि कल से अर्जुन महाराज बोलना शुरू करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सर, है ना, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ, ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, कॉन्सेंट्रेशन, कंफ्यूजन, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय एंड सक्सेस, माइंड एंड ब्रेन, डे स्लीप, नेचुरल इंटेलिजेंस, चेंज योर फ्यूचर, ईगो, नॉन वायलेंस, फ्रीडम तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओत्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम DVDs और CDs सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम DVDs और CDs आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते, ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भुटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।